अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी होती है, जल्दी तैयार हो जाती है। तो इफ्तारी में आप इसे बनाकर खा सकते हैं, वैसे भी आप इसको पेश कर सकते हैं मेहमानों के साथ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनती है और इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। केले लिए हैं मैंने 3 अदद, इसको स्लाइस में काट लिया है मैंने। आम लिया है 1 अदद, इसको मैंने बारीक काट लिया है। क्रीम लिए मैंने 200 ग्राम, 1 पैकेट। सेब लिए हैं 2 अदद, इसको मैंने बारीक काट लिया है। आड़ू लिए हैं 2 अदद, इसको बारीक काट लिया है। चीनी लिए मैंने 4 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं क्रीम डाल दूँगी और चीनी डाल दूँगी। चीनी मैंने दानेदार ली है, आप चाहे तो पाउडर में भी ले सकते हैं। तो चीनी डालकर मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, ताकि ये चीनी हमारी अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स हो जाए। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है क्रीम के साथ। अब इसमें सेब डाल दूंगी, आड़ू डाल दूंगी, आम डाल दूंगी, केले डाल दूंगी। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसमें मज़ीद और फ्रूट भी डाल सकते हैं, मैंने ये चारों चीज़ें डाली हैं। आप चाहें तो और फ्रूट बढ़ा सकते हैं इसमें। हमारी यमी सी क्रीम फ्रूट चाट तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।